इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट एड सेट फॉर एफबी एंड इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स। कैसे एड सेट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम या एफबी स्टोरी एड के लिए। अब ये एड सेट जो है आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, सीपीए मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग का हर काम इस एड सेट से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपना कोई कोर्स है तो उसको भी सेल कर सकते हैं, प्लस सर्विस भी सेल कर सकते हैं। लगभग ऑलमोस्ट हर एड सेट जो है वो ऐसे ही बनता है स्टोरी एड्स के लिए, ठीक है, वो चाहे फेसबुक के लिए यूज हो चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए यूज हो। तो कैसे बनाना है मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा और आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा एक एड सेट, बट बाद में आपको खुद का क्रिएटिव माइंड यूज करना है और अपना एड सेट क्रिएट करना है, ओके। और आप अगर कोई एड सेट क्रिएट करते हो और मुझे दिखाना चाहते हो तो हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है क्रिएटिव मार्केटिंग माइंड, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आपको उसको क्लिक करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है और वहां पर पोस्ट कर देना है और ऊपर लिखना है फॉर रिव्यू, तो मैं उसको देख लूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसा एड सेट को चेक कराना है तो आप वहीं पर पुट करो, ओके। नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, दैट इज कॉल्ड कैनवा.com। आई थिंक जितने भी लोग ऑनलाइन में काम करते हैं सबको पता होगा कि कैनवा क्या चीज है। कैनवा.com, जहाँ आप ग्राफिक्स, लोगो एंड ऑल डिजाइन इससे क्रिएट कर सकते हो। ये पेड भी है और फ्री भी है। फ्री वर्जन इज द बेस्ट और अगर और बेस्ट चाहिए तो आप पेड वर्जन भी इसका ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया एंड इसके कुछ अलग अलग टाइप्स के डेमोज हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो साइज होता है इंस्टाग्राम स्टोरी का वो होता है 1080x1920, ओके। सो मैं यहाँ पर आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा और दोनों ही जो स्टोरीज एड्स होते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के सेम ही होते हैं, ओके। सो यहाँ मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा और लेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर ट्रैवल, ओके। सो फॉर ट्रैवल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको यूज नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इसको यूज नहीं करना है, बिकॉज ये जो है इनमें कुछ पेड भी हैं एंड प्लस ये उतने वेल डिजाइंड नहीं है जिससे आपको काफी अच्छा इम्प्रेशन और कन्वर्जन रेट आ सके। तो आपको अपना ही डिजाइन करना है। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा एक ट्रेवल का उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके हम लोग सेट करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो मुझे मिल जाए जो मैं आपको शो कर सकूं एंड हम लोग आगे अच्छा काम कर सकते हैं इस पे। सो यहाँ मुझे एक पोस्टर मिला है लाइक ये ट्रेवल का, आप देख सकते हो ऊपर। तो मैं इसके ही ऊपर आपको बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले मैं तो जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक लूंगा, बिकॉज जो ब्लैक होता है वो काफी तेजी से लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो मैं सबसे पहले ब्लैक ही चूज करूंगा। देन इसका जो सॉरी जो डिजाइन है, जो फोटोज है, जो भी आप फोटोज लगाओगे, ठीक है, वो थोड़े एचडी क्वालिटी की होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है, क्वालिटी जितनी हाई रहेगी उतना तेज लोग आपको देखेंगे, आपके एड को एंड आपके एड पे आएंगे। यहाँ उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसलिए मैं पोस्ट को चेंज कर रहा हूँ एंड ट्राइंग टू फाइंड अ बेस्ट क्वालिटी पोस्ट। एंड गाइज बिलीव मी, आपको बहुत टाइम लगेगा एक फोटो को सिलेक्ट करने के, बिकॉज यही वो चीज है जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे अभी मुझे लग रहा है। तो एक बेस्ट फोटो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपने एड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और उन उन लोगों से अपने एड पे क्लिक करवाना है। तो आपको जो एड सेट है वो बहुत अच्छे से चूज करना होगा, बनाना होगा। और गाइस इसके लिए आपको दो तीन चार एड सेट बनाना होगा, ओके। तो यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं फोटोज में देख लेता हूँ अगर कोई अच्छा मिला तो।
सो गाइस, इतना ढूंढने के बाद मुझे एक मिल चुका है, एक पोस्टर अच्छा खासा HD भी है, और इससे अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है अभी। बट आपको अच्छे से अच्छा पोस्टर ढूंढना है एंड तब ही जाके आपको एड सेट तैयार करना है। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसलिए मैं कोई सा भी ले ले रहा हूँ एंड आपको दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक अट्रेक्टिव सा यहाँ लाइन लिखना है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो एक बड़ा सा कलर हेडर, मैं इसको बोल सकता हूँ, आप यूज कर सकते हो इसको। ब्लैक में ही यूज कर दो, ज्यादा अच्छा है, एंड इसको ब्लैक कर दो। ओके, एंड देन आप यहाँ लिख सकते हो लाइक दिस। तो दोस्तों, आप ये लिख सकते हो लेट्स ट्रेवल, ऐसा करके आप लिख सकते हो, जैसे कि लोग जैसे ही अपनी स्टोरी देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा लेट्स ट्रेवल। ठीक है, अब ट्रेवल का मतलब कि आप कहीं घूमने जाओ, इस तरह का आपको लोगों को फील कराना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है कि आप बेस्ट इमेज को चूज करो, बिकॉज यहाँ आप इमेज शो कर रहे हो, तो इमेज में फीलिंग होनी चाहिए कि कोई वहां खड़ा है, अच्छा लग रहा है उसको, पानी, सनसेट, नेचर, लाइक दैट। तो आपको उस प्रकार की ही इमेज को चूज करना है। ओके, देन आपको सही वर्डिंग यूज करना है कि लोगों को फील आए कि लोग आपके पोस्ट पे क्लिक करें और आपके लैंडिंग पेज पे जाएं। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप एड सेट क्रिएट करोगे, और बिलीव मी, आपको कम से कम 2-3-4 एड सेट क्रिएट करना है। उसमें से जाके एक या दो ही कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड वो आगे जाते हैं। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कुछ एरोज। ओके, जो नीचे लोगों को डायरेक्शन दें कि उनको एरोज पे क्लिक करना है, स्वाइप अप करना है और नीचे जाना है। ओके, सो आप यहाँ दो तरह से काम कर सकते हो। पहला तरीका मैं बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। ओके, सो लेट्स गो। सो गाइस, जो सबसे पहला तरीका है, आप यहाँ पर स्वाइप अप लिख सकते हो और ये जो है ये एरो, ऐसा करके एक एरो लगा सकते हो। ओके, सो इससे क्या आता है माइंड में कि लोगों को स्वाइप अप करना है, इसको ऐसे करके, मतलब हैंड जो है उनका, आप देख सकते हो कि जो ये हाथ है उसको ऐसे करके ऐसे घुमाना है, तो वो जो है पोस्ट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, सो आप एक इसका यूज कर सकते हो यहाँ पर ऐसा लगा के। ओके, और नेक्स्ट आपका जो है वो एक सीपीए मार्केटिंग का स्टाइल मैं बोल सकता हूँ, उस तरह का है, और उसको आप यूज कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो आप कैसे यूज करोगे। ओके, वो आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक सर्कल लगा दिया है और उसके बाद एक स्वाइप अप हैंड। तो आप ये दोनों चीज को यूज कर सकते हो, मैंने दोनों को यूज किया है, दोनों ही काम करते हैं। डिपेंड करता है आपके वर्डिंग पे कि आपने क्या वर्ड्स लिखा है, और दूसरा डिपेंड करता है आपके इमेज पे कि आपने इमेज से क्या फील कराया है। तो गाइस, अब मैं बात कर देता हूँ ओवरऑल इस एड सेट की, कि आपको जो भी स्टोरी एड बनाना है उसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप कितना सुंदर, सोबर और क्रिएटिव एड बना सकते हो, सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरी जो चीज होती है, दैट इज कॉल्ड आपके लाइंस, आपके वर्ड्स, जो बहुत ज्यादा हुक का काम करते हैं कि आपने क्या लिखा है, लेट्स ट्रेवल, डू ट्रेवल, फ्री ट्रेवल, 20% ऑफ ट्रेवल, लाइक दैट थिंग्स, कि आपने कौन सी चीज को यूज किया, कौन से वर्डिंग को यूज किया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जो थर्ड चीज होती है, गाइड कॉल टू एक्शन, जो बहुत ज्यादा मेन स्टेप है, आपको अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, कस्टमर्स हैं, उनको लैंडिंग पेज और अपने ऑफर तक ले जाने के लिए। तो गाइज, जो कॉल टू एक्शन है वो स्वाइप अप, आपका एरो एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक चेक नाउ, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती हैं, सी नाउ, ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जो ज्यादातर चलता है, दैट इज दिस इज यू कैन सी हियर। ओके, ये हैंड एंड ये सर्कल एंड ये स्वाइप अप एंड ये, तो ये जो चीजें हैं ये कुछ ज्यादा चलती हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, और ये अभी आपको छोटा दिख रहा है तो आपको उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे अपने
अपने स्टोरी में कन्वर्ट करके अपने स्टोरी में देखेंगे रख के, तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। ओके, ये थोड़ा ब्लर इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया। यू कैन सी एंड देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ये। और ऐसे करके आप काफी अच्छा खासा एड सेट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्त, अगर आप चाहते हो क्लिक बैंक, अगर आप चाहते हो सीपीए और नेटवर्क का कोई ऑफर को प्रमोट करना, या कोई भी ऑफर को, या आपका कोई कोर्स है उसको प्रमोट करना, तो आप ऐसे तरह से एड सेट बना के, तीन चीजों का यूज करके काफी अच्छा खासा एड सेट क्रिएट करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। और बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा वर्केबल है एंड ये काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हो एडसेट बनाना, तो स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम टुडे, canva.com का यूज करो, तरह तरह के एडसेट बनाओ और उनको टेस्ट करो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।